हरजीत गरेवाल बीजेपी के लीडर टैलीफोनिक कॉन्फ्रेंसेशन के जरिए साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। गरेवाल जी, इस कार्रवाई में बीजेपी किहड़े शब्दां विच डिफाइन करती है? तुहाडे वड्डे लीडर की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखो, करप्शन के खिलाफ साड़ी पार्टी की जीरो टॉलरेंस और असी किसी का भी पक्षपात नहीं। इंसाफ होना चाहिए, धक्का नहीं होना चाहिए, किसी नाल भी धोखा नहीं होना चाहिए। जे कोई करप्शन च इनवॉल्व है तां उहदे ते कार्रवाई जरूर होनी चाहिए है। सामने आ जाऊगा की हैगा, क्योंकि अजे तक मैनूं पूरे फैक्ट्स पता नहीं है, पर जिन्नी की जानकारी मिली है टीवी के माध्यम नाल ही मिली है। मैं समझदा कि उहदे च बीजेपी का कोई रोल नहीं है और उन्हां नूं कानून का सामना करना चाहिए और जे उन्हां नाल ना इंसाफी हो रही है तो कानून तो इंसाफ मंगना चाहिए। तो उहदे च एज ए पार्टी कोई इनवॉल्वमेंट नहीं है। अपने जे कोई काम कितने गलत होया तो उसका सामना खुद ही करना पड़ेगा। असी बीजेपी की तरफों साढ़े किसी नाल धक्का हुंदा होवे उहदे च असी नाल खड़ीदा, पर जिस तरह की मैनूं दस्या गया और जानकारी मिली है उस मुताबक बीजेपी जिहड़ी आ उह करप्शन दे लई जीरो टॉलरेंस दी नीति ते चलदी। पर गरेवाल साहब, जिहड़े मामलों च इह तफ्तीश चल रही सी, एक कांग्रेस वेले दीयां वधीकियां दा जिक्र आम आदमी पार्टी ने किया कि उस वेले बीजेपी नूं इन्हां चीज़ां बारे नहीं सी पता, ज्वाइनिंग्स करवाईयां गईयां कांग्रेसियां दी। देखो, उहदे च मैं एक चीज तां जरूर जाणदा कि अकाली दल जां कांग्रेस क्यों हारे। ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚਲੋ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ गिरफ्तारी हुई है, सुंदर शाम अरोड़ा दे हक च हा दा नारा मारदे बिलकुल नहीं रहेगी। बीजेपी दी करप्शन दे प्रति जीरो टॉलरेंस है और असी कोई भी करप्ट हो चाहे साडा अपना भी होवे उहदे उहनूं कहिंदे वी कानून दा सामना करो। साडे च इस तरह दा व्यक्ति जिहड़ा कैडर दे विचों कोई भी नहीं है। मैं अज फिर कहना, साडे किन्ने मिनिस्टर रहे आ उहनां नाल कोई उंगली करके दसण इह जिहड़े अकाली दल दी सरकार च रहे ने और जिहड़े साडे लीडर। गरेवाल जी, तुसीं बहुत वड्डी स्टेटमेंट दे रहे हो कि बीजेपी दी जीरो टॉलरेंस है, कांग्रेस दे राह ते बीजेपी नहीं तुरेगी। ठीक है, लाइन ते रहो। नील गर्ग जी जुड़े आ साडे नाल आम आदमी पार्टी तों। गर्ग साहब, बहुत वड्डी कार्रवाई की है, रेड हैंड सबका मिनिस्टर गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी का भी बहुत वड्डा बयान है कि भाई साड़ी जीरो टॉलरेंस है, असी कांग्रेस के राह ते नहीं तुरंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करांगे। निरा झूठ, ये भी वड्डा निरा झूठ कोई नहीं मार सकता। तुसी याद करो कृष्ण जी, पांच साल जो कांग्रेस की सरकार सी, वो लीडर कांग्रेस के ओहो मंत्री, ईवन उन्हां दा मुख्यमंत्री जिदे खिलाफ लगातार बीजेपी ने भी मुहिम चलाई, असी तो एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी चलाई ही चलाई। ठीक है, उन्हां करप्शन के खिलाफ भी यह बोलते रहे, उन्हां घपलियां के खिलाफ भी बोलते रहे, पर उन्हां बंदियां नूं ही यह अपनी पार्टी के शामिल करते हैं तो उदों इन्हां दी जीरो टॉलरेंस कित्थे गई सी। नंबर एक। नंबर दो, साडा पंजाब के लोगों नाल बड़ा तो वड्डा ही कमिटमेंट हैगी है कि हालात जो मर्जी होन, जो चाहे कोई किसी साड़ी अपनी पार्टी का होवे जां किसी होर पार्टी का होवे, कोई अफसर होवे, कोई लीडर होवे, कोई मंत्री होवे, कोई साबका मंत्री होवे, उस नूं बख्शिया नहीं जाएगा, क्योंकि जो इंसान पंजाब का खजाना लुट रहा है वो पंजाब का गदार। ठीक है गरेवाल जी, तुसी निरा झूठ बोल रहे हो। नीर गर्ग जी कह रहे हैं, इस चीज का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने करप्ट बंदियां नूं शामिल करवाया। इस तरह नीर गर्ग जी गलत गल कर रहे हैं। जदों तक किसी व्यक्ति ते कोई चार्जेस नहीं लगे, एवें ही किसी नूं कह देण नाल कि ये व्यक्ति जिहड़ा ये गलत है। हुण असीं जिस तरह इन्हां दा फौजा सिंह सरारी है जां जिहड़ा इन्हां दा पठान माजरा, किस तरह के फोटोग्राफ भी आ गए, इन्हां ने कार्रवाई नहीं की, असीं इन्हां नूं कुछ नहीं किया। पर
साढ़े कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं आया कि जिसे ते पहला चार्जेस लागे हो नोटिस हो गए और शामिल कर क्यों कहते पुरानी फाइलों खोलन के लिए तफ्तीश खोली गई नहीं नहीं पुरानी फाइलों खोलन असं तो कहने बाकी भी खोल लैन जिन्हें करप्शन की खोल लैन साडिया भी खोल लैन जे कोई है पर सा कोई भी जे साडे कैडर के लोग आए आ जे मिनिस्टर भी रहे उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करके दसन पूरे ईमानदार ने और सारे ठीक ने कार्रवाई हुई है ना गरेवाल जी देखो आम आदमी पार्टी ने तुहाडे लीडर दी कार्रवाई की है पुराना मामला सी तुहाडी छवि ते वड्डा सवाल नील करके खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हां बंदियां नूं शामिल कराया जिहड़े करप्ट बंदे सी की करप्ट सी जां नहीं सी ये दस दो फिर गर्ग साहब तों रिएक्शन दवा दिंदे आपां देखो गल ये है कि अजे बाकियां नूं असीं करप्ट नहीं कह सकते उन्हां ते कोई गल नहीं हुई है वो लोग ठीक ने जिन्हां ते इन्हां नूं शक हैगा शंका हैगी उहदे ते इन्हां कोई सबूत आउंदे आ कार्रवाई करन असीं इन्हां नूं रोकदे नहीं हैगे ठीक है शाम सुंदर अरोड़ा की थी है, जो गल मैं टीवी माध्यम मैं पता लगे मैं पूरा पता नहीं रिश्वत देन आए थे पैसा भी फड़िया गया कैश वो कि हालात पकड़े गए की होया की नहीं होया तो दसन गए वो कानून का सामना कर पार्टी किसी की कोई मदद नहीं करती इस मामले इस तरह से जे कोई ठोस सबूत किसी के खिलाफ हो कानून का सामना करके साफ सुथरे होकर निकल के आओ ठीक है ना गल तो इस करके असी कोई किसी को बचाने की किसी को करने की वो नहीं कर रहे जे साडे च कोई आ गया गरेवाल जी किते तजिंदर बग्गे वाला मामला पंजाब च नहीं बीजेपी इंप्लीमेंट करेगी अरे भाई एदा बीजेपी नहीं करती तजिंदर बग्गे से कोई आरोप नहीं सी धक्का हो रहा है और कुमार विश्वास से धक्का हो रहा है वो तो कोर्ट ने भी सिद्ध करता ते जे ये अदालत का सामना करेंगे कानून का सामना करेंगे साफ सुथरे होके निकलेंगे असीं इन्हां दा स्वागत करेंगे जे साफ सुथरे होके नहीं निकलेंगे तो कानून का सामना करेंगे गर्ग जी देखो तजेंद्रपाल बग्गे ते धक्का होया कुमार विश्वास से धक्का होया कि सुंदर शाम अरोड़ा नाल भी तुसीं धक्का कर रहे हो देखो आम आदमी पार्टी की सरकार की यह फितरत नहीं है कि किसी भी तरह का पोलीटिकल वेंडेटा किया जाए साड़ियां एजेंसियां इंडिपेंडेंट काम कर दिया ने बीजेपी की तरह नहीं कि अपने विरोधियों को डराने वास्ते असी काम करिए पर गर्ग साहब गरेवाल साहब कह रहे हैं तजेंद्रपाल बग्गे नाल धक्का होया अदालतों च प्रूव हो गया परचे रद्द हो गए कंप्लीट कर लैंदे हो सर मैनूं गल कंप्लीट कर लैंदे हो हर गल का जवाब देवा करो करो गर्ग साहब गल कंप्लीट करो विजिलेंस ब्यूरो जो बाकी एजेंसियां ने जिहड़ी कि एंटी करप्शन मुद्दे के उत्ते काम कर रही ने ही नथ पाउंदे हाथ पाउंदियां ने जिथे किसी ना किसी तरह की कोई कल्यू मिलता है कोई किसी तरह के पुख्ता सबूत मिलते हैं उस तो बाद ही उसनों नथ पाई जाती है। मैं एक गरेवाल पूछना चाहना इन्हां ने जदों पिछले पांच साल की कांग्रेस की सरकार सी कैप्टन साहब के खिलाफ जदों माफिया पंजाब दे विच पूरे जोरां ते सी चाहे वह लैंड माफिया सी चाहे वह नशा माफिया सी जां बाकी तरह के माफिया हैगे सी उदों इन्हां ने मुहिम चलाई सी कि नहीं चलाई सी नंबर वन नंबर टू वह कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े कहिंदे सी कि मेरे कोल 45 लीटर दीआं फाइलां ने ठीक है ना वो जिस तरीके अपने नाल कुछ लीडर लैके गए इन्हां दे खिलाफ इन्हां दी पार्टी मुहिम चलाउंदी रही है ठीक है ना उदों तो तोते किवें हो गए उन्होंने किवें इन्होंने साब अपने पार्टी के शामिल कर लिया किवें कह सकते नहीं कि करप्शन के खिलाफ साड़ी जीरो टॉलरेंस हैगी है। रही गल आम आदमी पार्टी की असी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जिसने पंजाब का खजाना लुटिया जन लुटन की कोशिश करेगा वह पंजाब का गदार है पंजाब का दुश्मन है साडा कुछ नहीं लगता वो भावें कोई भी हो छोटा हो वड्डा हो उसनू कानून के मुताबिक बनती जी सजा दी जाएगी सारे जे जाने के सबूत ने अदालत के पेश किए जाएंगे बाकी अदालत का काम है वह अदालत ने देखना है। ठीक है गरेवाल जी आखिरी रिएक्शन पंजाब के गदार नहीं छड़ांगे गर्ग साहब का तर्क है बहुत घट शब्दों च या बाकी भी इन्हों चीजा सामने आनिया ने उन्होंने मैं ज्यादा टिप्पणियां नहीं करता उन्होंने भी कार्रवाई कर और दूसरा जिहड़ा जे साडे च कोई करप्ट आया या उन्हें कोई गलत काम किया असीं कहने कि थोड़े कोल ठोस सबूत है तो कार्रवाई करो तुहानूं वेलकम करा ठीक है ना गल असीं कोई इन्हां नूं रोकदे नहीं किसी गल तो ना इन्हां दा विरोध करदे हां और जिहड़ी करप्शन की गल आ करप्शन दे असीं बिल्कुल नाल नहीं खड़दे बीजेपी और करप्शन दे लई जीरो टॉलरेंस है साडी और जो इन्हां दी अगला जो भी होएगा कानून का सामना करेगा कानून चो साफ सुथरा होके आएगा। हुण इन्हां ने विक्रम मजीठिया जी नूं भेजिया सी
कानून ने ऐसिया टिप्पणियां भी कीतिया और उन्होंने बाहर भी आए ता मैं इसे तरह बाकी लोग जेड़े आ वो आन ते जिन्हां जे किसते गलत कार्रवाई करनगे ता कानून ते साडा भरोसा हैगा ते उहदा सामना करांगे। बीजेपी वेलकम तो कर रही है पर सवाल भी चुक रही है कि कानून के दायरे च रह के कार्रवाई की जा सकती है पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि करप्ट बंदियां नूं बीजेपी ने शामिल करवाया हुण जीरो टॉलरेंस के मायने की ने। बहुत शुक्रिया नील गर्ग जी, हरजीत गरेवाल जी साडे नाल जुड़न वास्ते।